हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज डेट है 22 मार्च 2020 और आज हमारे देश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, ये सब जान रहे होंगे। और आज मैं इस जनता कर्फ्यू का सपोर्ट कर रही हूँ और मैं भी अपने होम स्टे में हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे कि जनता कर्फ्यू क्या है, पर ये है कि आज सुबह 7 बजे से लेके रात की 9 बजे तक अपने घर वालों के साथ घर पे ही स्टे करना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो अगर कहेंगे कि संडे को ही क्यों चुना गया इस कर्फ्यू के बारे में, कोई और दिन को क्यों नहीं चुना गया, तो संडे को क्या होता है, बेसिकली हर ऑफिस या हर जगह पे छुट्टी होती है, तो सब लोग होम स्टे करते हैं, इसलिए इसे संडे के दिन ही चुना गया। दूसरा रीज़न क्या है कि जनता कर्फ्यू लगाने के पीछे इसे होगा क्या, तो बहुत ही छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। बेसिकली क्या होता है कि जो ये कोरोना वायरस है उसका जो एक्टिव पीरियड है वो 12 आवर का है। तो हमें पता है नहीं कि पब्लिक प्लेस पर कहाँ कहाँ कोरोना वायरस है, तो हम अगर ये कर्फ्यू का पालन करते हैं, मीन्स अगर हम 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक होम स्टे करते हैं, मीन्स 12 आवर का ही उसका एक्टिव पीरियड है और हम जो कर्फ्यू कर रहे हैं वो 14 आवर का है, तो अगर हम निकलते ही नहीं है 14 आवर तक, तो क्या होगा कि ये कोरोना वायरस अल्टीमेट जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे होगी वहाँ क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और अपने आप उसका काम तमाम हो जाएगा, तो ये ह्यूज क्वांटिटी में स्प्रेड होने से बच जाएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। और दूसरी बात ये कि आज क्लैपिंग भी करनी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि शाम में 5 बजे 5:05 पे हमें अपने दरवाजे पे और बालकनी में आना है और ताली बजाना है, क्लैप करना है, सीटी बजाना है, थाली बजाना है, शंख बजाना है, कुछ भी हो जो बज सके उसे बजाना है। ये उनके लिए थैंक यू कहना है और थैंक यू कहने का एक जरिया होगा और वे होगा जो हमारे बेसिक और इसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, मीन्स डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, जो आज कर्फ्यू में भी अपना सर्विस को दे रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग इस कर्फ्यू का और इस क्लैपिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए और हमारी फैमिली और अल्टीमेट हमारे लिए भी। तो ये ज़रूर करें।